हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? देयर आर टू सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स, रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ फर्स्ट बॉल टू दैट ऑफ सेकंड बॉल इज 7:6। सेकंड बॉल वाज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट बॉल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सेकंड बॉल इज 13552 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। फाइंड वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ बिगर बॉल। तो यहाँ पे दोस्तों जो बड़ी बॉल है, जहाँ पे दो बॉलें हैं, जो बड़ी बॉल है उसका जो रेडियस है वो पता करना है। और इन्होंने हमारे पास रेडियो का रेशो दे दिया है और दोनों का जो टोटल एरिया है, जो सेकंड वाली बॉल उसको कट करने के बाद जो उसका एरिया बचा है और फर्स्ट वाली जो बॉल है उसका जो एरिया है, इसका जो डिफरेंस है वो दे दिया हमें। तो दोस्तों, जो स्पेयर का आपने फार्मूला आपको पता होगा, स्पेयर का फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। स्पेयर का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जो फार्मूला ये किसका दोस्तों? स्पेयर का फार्मूला है ये। अभी बात करते हैं कि दूसरे स्पेयर का, ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बीच में से कट कर दिया है। और तो दोस्तों, जो बीच में कट कर दिया है, अब पूरा फुल स्पेयर है तो वो 4 पाई आर स्क्वायर फार्मूला है। लेकिन अगर आधा कट कर दिया, मतलब आधा बचा है, तो इसको आप 2 पाई आर स्क्वायर लिखोगे। तो क्योंकि आधा बचा है 2 पाई आर एंड स्क्वायर, क्योंकि आधा है दोस्तों। लेकिन जो आधा बचा है उसका टोटल एरिया बोला है, तो टोटल यहाँ से जो कटा है तो वो भी तो एक सर्कल बच गया ना। जहाँ पे सेंटर से कटा है वो एरिया भी तो काउंट होगा ना। तो एरिया जो सर्कल होता है एक, उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? पाई आर एंड स्क्वायर। तो दोस्तों, जो फर्स्ट वाली बॉल है वो तो कोई कटे नहीं, कुछ नहीं हुआ उसको, तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका था जो फार्मूला। लेकिन जो सेकंड वाली थी उसको आधा कर दिया, आधा मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का आधा ले लिया हमने यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। और जो हम जहाँ पे वो कटा है एक्चुअल में सेंटर से कटा, तो वो भी तो एरिया काउंट होगा ना दोस्तों। वो सर्कल होगा, एक सर्कल का एरिया होगा। सर्कल का क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दोनों प्लस कर देंगे तभी तो वो टोटल उसका एरिया निकलेगा जो बॉल कटी है। तो इन दोनों को प्लस कर देते हो तो यहाँ पे ये 3 पाई आर स्क्वायर आ जाता। चलिए मैं लिख लेता हूँ 3 पाई आर एंड स्क्वायर। तो दोस्तों, हमारे पास एरिया आ गया दोनों स्क्वायर का, फर्स्ट वाले का 4 पाई आर स्क्वायर, सेकंड वाले का 3 पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो रेशो दे रखी है 7:6, तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं जो फर्स्ट वाला है उसका है 7 आर रेडियस। किसका दोस्तों? बिग का। जो बिग है उसका जो रेडियस है 7 आर है, क्योंकि रेशो में दे रखा है। और जो स्मॉल है, जो स्मॉलर है उसका है यहाँ पे 6 आर। इन्होंने रेशो दिया हुआ इसलिए हमने यहाँ पे ये आर आर लगा दिया, क्योंकि रेशो में रहेगा तो 7 और 6 लगाना पड़ेगा आपको। और जो रेडियस है इसलिए हमने यहाँ पे आर यूज़ कर लिया है। तो इन दोनों का जो बिगर वाला है उसका हम मान के चलते हैं यहाँ पे 7 आर रेडियस है, और जो छोटे वाला है उसका जो रेडियस है 6 आर है। तो यहाँ से हम इसको दोस्तों ये फार्मूले में फिलअप कर देते हैं, ये डाटे को जो फार्मूला ऊपर दिया हुआ उसमें फिलअप करते हैं। और इन्होंने लास्ट में क्या लिखा दोस्तों? इनका जो डिफरेंस है, जो बड़े वाले का हमने 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, जो हमारा कट होने के बाद जो एरिया बचता है वो दोनों एरिया का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 13552 दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फार्मूले में फिल कर देते हैं। कैसे फिल करेंगे? यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई आर। क्या दोस्तों? 7 आर। तो 7 आर लिख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो
स्क्वायर लिखेंगे ये पूरे का होगा, जो 7r हमने जो रेडियस लिया है पूरे का यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो ऐसा नहीं आपने ओनली r का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पूरे का स्क्वायर हो जाता है। और सेम दूसरे के लिए लिख देते हैं, उसमें क्या 3π ब्रैकेट में 6r ब्रैकेट बंद और स्क्वायर। तो ये सेकंड का फार्मूला हमने यहाँ पे 7r और 6r दोनों में डाल दिया है। इनका जो डिफरेंस है वो इन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है 13,552। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कॉमन यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये इसमें से माइनस और ये वाला ना, इसको मैं इधर ही ले लेता हूँ। ये जो इन्होंने जो डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे इसके और इसके, जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो है 13,552 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अभी दोस्तों हमें इस इक्वेशन से जहाँ पे वैल्यू निकालनी है आर की, अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, यहाँ पे इक्वल लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे इक्वल हो जाएगा जो कि इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये किसके बराबर है दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से ये है यहाँ पे 13552। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप पूरा ये कैलकुलेशन करोगे तो जो आर का वैल्यू है और स्क्वायर का वैल्यू है, आर स्क्वायर है दोस्तों, आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 49। और फर्दर अगर आप 49 को आर स्क्वायर है तो हमें तो वैल्यू आर की निकालनी है, तो 49 को अगर आप यहाँ पे अंडर रूट कर देते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं 49 को अगर हम अंडर रूट करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है 7। तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू जो 7 निकली है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में रेडियस क्या लिया है, रेडियस हमने लिया यहाँ पे बिगर का लिया 7r और स्मॉलर का लिया 6r, और हमारे पास जो आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है आर इजिकल टू 7। तो 7 वैल्यू आर की आ गई, और हमने जो बिगर का लिया था 7r लिया था, तो यहाँ पे हमें 7 × 7 कर देते हैं, क्योंकि हमें रेडियस जो पता करना है वो बिगर वाले का पता करना, तो आंसर इसका आ जाता है 49। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। अच्छा लगे तो समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।